वही उत्तराखंड कांग्रेस महासचिव कविंद्र इस्टवाल ने कोटद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग और ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मानसून सीजन के लिए सरकार की तैयारियों को अधूरा बताया है। कविंद्र इस्टवाल ने कहा कि भूस्खलन जोन का ट्रीटमेंट ना होने के कारण यात्रियों को बार बार इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कई यात्री राजमार्ग से गुजरते समय अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन यात्रियों की सुरक्षित यात्रा के लिए कब ठोस कदम उठाए जाएंगे। कविंद्र इस्टवाल ने आगे कहा कि सड़क ठेकेदारों ने पहाड़ों को खोदकर खोखला कर दिया है, जिससे पहाड़ दरक रहे हैं, जिसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। जिस तरीके से पहाड़ों को खोदा जा रहा है, ये कहीं न कहीं विनाश का कारण है। और दूसरी बात, जहां कोटद्वार दुगड्डा वाला जो मार्ग है, ये जो 534 राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये कई वर्षों से थोड़ा बाद बारिश होती है, जैसी बारिश की शुरुआत होती है वैसी ही रास्ता बंद हो जाता है। हमारे सरकार से यही कहना है कि जो सरकार जो है, कि जब मालूम है उनको कि जो हमारा जो रास्ता है बहुत सेंसिटिव जोन है, लेकिन उसके लिए कोई कार्रवाई कोई काम समय पे नहीं किया जाता और कई घंटों दो दो चार चार पांच पांच घंटे जाम लगा रहता है, जिससे कई जरूरी काम, चाहे कोई अस्पताल जाने वाला रोगी हो या कोई बुलेट हो, आने जाने वाले यात्री सब परेशान है। ठेकेदारों ने जिस तरीके से आनंद फानंद में पूरा पहाड़ खोद के रखा, आज आप पूरे साल भर देखिएगा, बरसात ही नहीं पूरे साल भर में कहीं ना कहीं लैंड स्लाइडिंग होती है और उससे कई लोगों की जाने चले जाती है। और अब बरसात में तो इतना खतरा है कि कोई भी यात्री वहां जाने से डरता है।